देखो 2 बज रहे हैं और ये देखिए यहाँ अलग अपने गपशप चल रही। तो अभी जस्ट सो के उठला हार्डली 15 मिनट्स पहले, उसको आते ही फोन चलाना और धूप सेकनी है, पता नहीं क्या है। और एक देखिए फर्जी पेपर दे रहा है अपना सुबह सुबह। ये इस घर का ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ, वहां पर एक गप्पे मार रहे हैं दो लोग, एक फर्जी पेपर दे रहा है पता नहीं कौन से खुद अभी तक इसने कोई, और ये उन फ्रॉडी फर्जी बच्चों के लिए खाना बना रही है। अरे आप क्या बना रहे हो खाने में शेफ अदिति? पूड़ा। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या सामग्री डाली है? इसमें गाजर डाली है। ओके ओहो, शिमला मिर्च, क्या बात है, कड़ी पत्ता है। ओहो ओहो, कड़ी पत्ता आपके बगीचे में उगता है? हाँ जी। सब कुछ फ्रेश है? हाँ जी। या इसमें कुछ मिलावट है केमिकल की? कोई मिलावट नहीं है। और ये क्या बनाया है आपने? और ये क्या है? टमाटर की चटनी। ये कहाँ से मशीन मिली आपको? ये मशीन मैंने मंगवाई थी ऑर्डर करके, टमाटर की चटनी। ओके ओके, आप बोलो तो ग्रीन बनाओ, आप आपकी जैसी मर्जी। आपके आप इनसे भी पूछ ले, फर्जी से पूछ लो। फर्जी से ए फर्जी, ग्रीन चटनी का आएगा लाल चटनी? कुछ भी बना तो। पेपर ही फ्रॉड वाला दे रहे, खा भी कुछ भी लेगा, फ्रॉड ही तो है। हरी चटनी का आएगा लाल चटनी पूड़े के साथ? लाल। ठीक है भैया, लाल लाल है। तू हरी, हरी खाएगा आप है? ऐसी दबेगा ना? हमने इसको परसों चादर बिछाना सिखाया था, आज इसको चटनी बनाना सिखाएंगे। एक बिगड़ैल आवारा लड़का एक घरेलू लड़का बनता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। नहीं आवारा तो है ये, अभी भी खूब मिल लेता जिंदगी में अपने, बस दिखाता नहीं। बस गुस्सा आ रहा है उसको मम्मी। गुस्सा क्यों आ गया? बस अरे अभी रहती है भाई वो, और होगी ना। मुझे ना थोड़ी कम पतली हुई है, मोटी मोटी। गुड 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 बॉय। सबसे ज्यादा शौक भी इसी को है लाल चटनी खाने का, प्याज क्या है टमाटर की, मैं उतनी ही खाती। टमाटर लहसुन की चटनी है ये। बस हो गया, हो गया हो गया, जाओ जाओ धूप में बैठो, जाओ फोन चलाओ आप। परफेक्ट, वाह यार क्या बात है। फिर मार रहे सुबह 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 क्यों मारते हो भाई? लगी तो नहीं। अब मैंने तो हल्का मारा था, तूने तेज मार दिया। मम्मी चप्पल चप्पल ले गई है। मारूं मैं? सही बता, चप्पल टच हुआ ना बहुत मारूंगा, कोई नहीं बचाएगा। हो गई टच, क्या करा तूने? फोन दे, फोन चल। फट गई टच हो गई। इधर आना, तेरी बस किया तो फिर। जा डोले लड़, काट इसको भाई, तू पागल है बदतमीज कहीं का। ये मेरा भाई है, इधर आ जा। देखो अपनी बहन दे, क्या था ये जान के? तेरे को ना मारूं चार डंडे में? मेरे को मारोगा तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता एक हाथ के साथ। बेचारा कुछ कर नहीं सकता एक हाथ के, जो बचा हुआ हाथ उससे भी ढंग से काम नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। हमारे घर आए हैं स्टार बॉय। हेलो गाइस, क्योंकि इसको अपना डाटा चाहिए था और मेरा तो वाईफाई नहीं चल रहा, तो मैं डॉक भी नहीं कर पाई। अरे नहीं आएगा, रिमोट वाला नहीं है। अरे रिमोट आता है यार, जो है यही यार, किसी ने छेड़ी नहीं करती। रिमोट आता है, बोल तो हूँ रिमोट आता है। इस पे इसपे लिखा होगा, इस पे लिखा होगा रिमोट, रिमोट ही होता है भाई। वेयर इज रिमोट? धोखा हो गया हमारे साथ भाई, बिल्कुल धोखा हो गया। फोन करके पूछो उनसे, भैया इसमें रिमोट नहीं है। श्योर रिमोट आता है, क्या पता इस वाली में दूसरी वाली में आता है। देखो ना स्पेस यार, तुम रिमोट में देखा तो है नहीं, चल लोगे चेक कर लेंगे। बटन रिमोट की जरूरत ही क्या है जब वो है तो? मेरे भाई तुम जैसे यहाँ पे स्टैंड में लगा दिया तुमने, ठीक है, रिमोट चेंज कर लो कलर। रिमोट से तुम्हें बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज करना है वीडियो में, तो देख देख लाल कितना आ रहा है। यहाँ पे रिमोट आती है, देखो ये गैप जिधर है जगह, ये कुछ नहीं है, मोटा हो रहा है इस चक्कर में। इसकी जो ये पैंट है ना, ये खिंच चुकी है। फिट तो एक वर्ड तुमने निकाल दिया, फैल चुकी है पैंट, वो इतनी छिजरी है ना। तो अच्छी बात है ना, मोटा हो रहा हूँ तो नजर क्यों लगा रही है तू? नजर नहीं लगा रही मैं, मतलब अब विशाल मतलब अच्छी बात है मोटा हो रहा है, मतलब इतना मोटा हो गया चैन भी अपना खुल रही है। चैन नहीं खुल रही, वो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सिलाई होती होगी वो। अब तू अपने आप को कितना कवर करेगा सिलाई? ये चीज ना नहीं आपको दिखाते, ये चीज सही है। अरे देख देख दिखाती हूँ,
उंगली भी नहीं घुसी साहू, फिटिंग की पैंट कहते हैं। उंगली दिखा तेरी, प्रॉपर अंदर उंगली भी नहीं घुसेगी देख, ज्यादा टाइट है। अरे हट तू, अंदर इसके अंदर। ओ ये मत तोड़ दियो। नहीं हाँ भाई काफी टाइट है विशाल, तू तो बेल्ट नहीं पहनेगा फिर, है ना? बेल्ट नहीं पहनेगा इसके ऊपर ही बेल्ट पहनेगा क्या? नाड़ा बांध ले इसके। हैं हो चुकी हो रेडी। और ये ड्रेस है बहुत प्यारी लग रही है मेरे को तो। और ये मेरी ड्रेस नहीं है, मेरी फ्रेंड की ड्रेस है जो मैंने उससे उधार ली है, क्योंकि ये मेरे को शूट कराना तो मेरे पास कोई भी रेड ड्रेस नहीं है, सिर्फ एक ही रेड ड्रेस है। क्रीम क्या ढूंढ रहा है? देना लगाने वाला वो क्या लगाना है क्या? अरे लिप, वो लिप बाम। लिप बाम चाहिए, लाल हो जाए। लाल देखो, इसको अपने होठ लाल करने हैं। लाल नहीं मतलब थोड़े वैसे करने हैं, बहुत ज्यादा ना ड्राई हो रहे हैं मेरे। लिपस्टिक तो मैंने भी रेड लगाई है। दे दे भाई दे दे, दे, दे। ये समझा नहीं, तू समझा? मैं समझ गया। तू नहीं समझा, तू समझा? तू भी नहीं। दे दे भाई, रुक जा। मैं इसके आज देखो ये है टिंट, मैं हल्का लगा के चेक करती हूँ, क्योंकि तब पिंक लगेगा तू। तो आज इसके भी हल्का रहेगा, हल्का और कर दूं इसको, लिप बाम लगा दूंगी ना। बस सही है, ये तो पिंक हुआ ही नहीं। सही है, ऐसी सही है। यहाँ देखो नीचे का ड्रेस लगा नहीं, क्या है ड्रेस, हाँ ड्रेस पहनी है मैंने। विशाल तू और मैं और परी बढ़ा दो यार वैसे। गया देखने भी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी देखो पंचीकन फैल रहा है पूरे रोड पे, मतलब सीधा गाड़ी टेढ़ी चढ़ा दी, या तो किस टी ड्रिंक ड्रिंक वाले हिसाब होगा पता नहीं यार। अब ये देखो भाई, अभी तो गाड़ी थोड़ी पीछे करी, क्या पता बंदे को नहीं आती हो चलानी यार, वी कांट से एनीथिंग। और पीछे से देख पूरी खत्म हो गई, ये देख ना पूरी पिचकी बड़ी है पीछे से, तो निकालेंगे पता चलेगा ना। नहीं लगी नहीं होगी मेरे हिसाब से ना, पर पीछे से कैसे टूट गया? आ पीछे से क्या ठोकर मारी होगी, ऊपर चढ़ी होगी गाड़ी, पीछे का भी टूटा हुआ है ना, साइड में बंदे से पीछे का मतलब। हाँ ये तो कुछ नहीं हुआ, बंदे तो ठीक है, बंदे ही सेफ होने चाहिए यार, बंदे ठीक है तो ठीक है। बैठ, ये देखो भाई निकल गई वैसे गाड़ी, पीछे गई पीछे से पूरी। 9 बज रहे हैं और हम लोग अब अपना शूट स्टार्ट करेंगे, और मेरे को पता है इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना, ये तो भाई सब पोर्ट में है, ये तो करा लेंगे शूट, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैंने ड्रेस पहन रखा है, और मेरे को नहीं लगता कि मैं शूट करवा भी पाऊंगी, मैं कल आ जाऊंगी पर अभी नहीं करवाऊंगी, दो करवा ले, मैं नहीं करवा पाऊंगी, मैं करवा ही नहीं पाऊंगी, मैं जैकेट मैं नहीं आऊंगी। इस टाइम पे कितना टेम्परेचर हो रहा है? बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी, मेरे को मैं तो बीमार हो जाऊंगी या तो मैं शूट कराऊंगी। 13 है, 13 में भी इतना ज्यादा ठंड हो रही है, पूछो मत यहाँ पर, क्या करूं यार। खुश हो रहा है, दिख नहीं रहा, सिर्फ लाइट लाइट दिख रही है, कितना खुश हो रहा है भैया लाइट जला के। ये देखो इसको कह रहा है, ओ ये भी ज्यादा खुश हो रहा है, बहुत पिंक आ रहा है तू फोन में तो, पिंक सा लाल कर दूं। ओ कलर बदल दिया, क्या बात है। ले हमारा शूट हो चुका है डन, और मेरी आप सबके लिए एक बहुत मतलब तगड़ी एडवाइस है कि कभी भी रात में कोई शूट करो ही मत विंटर्स में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है? ठंड बहुत है, ठीक है आप शूट कर लो रात। ये बड़े घर हैं यहाँ पर, सारे इस एरिया में लड़ाई कर रहे होंगे बड़े घर वाले, पार्टी हो रही है किसी घर में, पार्टी भी होती रहती है यहाँ पर, तो बहुत अमीरों का इलाका है ये, ठीक है। कब भी मतलब यार, क्योंकि मैंने आज ना वैसा आउटफिट पहना था, क्योंकि एक मेरे को ऐसी वीडियो बनाई थी इसी रेड कलर के आउटफिट में, तो उसी के चक्कर में को पहनना पड़ा। उसके बाद इसकी वीडियोज में भी आई, मैं अपनी वीडियोज भी बनाई, मैं इतनी अब मेरे को पता है कि मैं बीमार रहूंगी अब 2 या 3 दिन, अब मैं शायद ही बाहर जा पाऊंगी कहीं, क्योंकि मेरे को ना नाक से पानी निकल रहा है, जुकाम वाला सीन है मेरा।
और अभी भी इस इंसान की वीडियो ही खत्म नहीं हुई। अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका साइड, वहां पर इसका सिर्फ एक टेक लेने जा रहे हैं हम। है ना, कुछ देखो पीछे, तेरे देखो पीछे आ रहा है तेरे। हाँ है तो विशाल, लोग दो स्कूटी पे हैं। कुछ हमारे दो लोग हैं स्कूटी पे, दो स्कूटी। फोन तो हटा मेरे को देखने दे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, पता नहीं कुछ ला रहा है पीछे से। ऐसे रात का टाइम 11 बज रहा है तो अभी भी क्या? गेट क्यों खोल दिया पागल है क्या? अरे नहीं वो तो बहुत दूर है। गेट क्यों खोल रहा है भाई? तो मैं क्या कह रही थी कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, अब मैं द्वारका साइड, वहां पर सिर्फ एक टेक लेने जा रहे हैं इसी का। मैं तो भी एक टेक नहीं, मतलब दो तीन टेक है। तो एक वीडियो का ही टेक है ना बस, एक हाँ ऐसा सीन है। बहुत ठंड है यार आज तो कसम, सुबह नहीं थी बट बहुत है, भूख भी लग रही है मेरे को। और मम्मी ने बनाया दाल चावल। निकाल मेरे को ये क्रेजी बॉल से खेल रहा था विशाल, ने पूरी बॉल ले गया। विशाल मुंह में ले लेगा, तू पागल है क्या? खा थोड़ी जाएगा। अरे कुछ भी कर सकता है कुत्ता, निकल देगा। अरे एक और ले जाएगा। दादा को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है इस घर में। भाई धूप आ रही है बड़ी मस्त। और कल जैसा कि आपको पता, हम लोग गए थे, मेरा फेस क्यों जल रहा है? क्योंकि तू दूसरे जलती है ना, इसलिए भगवान तेरे को जला रहा है। देख तू भी तो जल रहा है, तू भी तो। मैं तो हो गया ठीक। ले तो कल जैसे कि आपको पता, हम लोग गए थे वो रात में शूट वूट करने, बहुत ठंडी थी कल तो। और मैंने कपड़े कुछ वैसे ही पहन रखे थे, उनको बहुत ठंड लग गई। उसके बाद घर आने पर मेरा गला ठीक हो गया, मैं सो के उठाना जब कल की तब भारी बैठ गया। जो हालत खराब हुई पूछो मत, हिम्मत ही नहीं कि मैं कुछ आगे के टेक लूं, व्लॉग बनाऊं, कुछ नहीं है। बस घर आए, रेस्ट करा, खाना खा। अरे फिर जला रहा तू मेरे को। तो अब हो चुकी है हमारी अगली सुबह एंड गुड मॉर्निंग आप सब। तो जान भी कर रहे हैं ना, ठीक कर रहा हूँ उसे मैं। अब ठीक है मेरा फेस। एक और चीज, विशाल ने अब नाश्ता करना छोड़ दिया। मेरी मम्मी इसको डेली पूछती है क्या नाश्ता करना है, ये बंदा यार मैं बात ही नहीं करूंगी तेरे से। ए ब्लॉक लगा रहा, रुक जा। इस बंदे ने नाश्ता पानी करना छोड़ दिया, मेरे को नहीं पता। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही, मम्मी मैं डेली नाश्ता करता था, मैं डेली का। अब मेरे को लग रहा है बाहर से खाता है ये पागल है। मैं समझ गई तेरी हरकत। इंसान यहाँ पे क्या ही खाएगा और कितना ही खा लेगा? तू खा सकता है, तू पागल आदमी है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पहले डेली नाश्ता करता, सुबह उठते ही चाय राय पिएगा, कुछ जो भी नाश्ता बनाता करता था। अब कहते हैं कि मेरे को नाश्ता करना पसंद ही नहीं है, मेरे को ना गैस हो जाती है, ऐसा है। मैं सिर्फ चाय पे जिंदा रहूं। सुबह सुबह आके सारे पूछने लग जाते क्या बनाऊं क्या बनाऊं, मुझे क्या पता क्या बनना है। बना रखे खा ले नाश्ता, घूम रहा है सब समझ गया तेरी हरकत। अरे आ डुलबा आ जा, ऐसा सीन है इसका। तो अब तू रात तक नाश्ता नहीं, कुछ नहीं खाएगा? शाम को खाऊंगा। खाएगा मोमोज, खाएगा फिर स्प्रिंग रोल, कॉफी खाएगा। पहले खाए थे मैंने, कल ही खाए थे जब साहू खा रहा था। वो तो एक खाया था, वो तो खाता ही नहीं है, उसने कैसे खा लिए? वो तो ये मुझे कह रहा था कि मेरे को पसंद ही नहीं इन लोगों की वजह से। कल दो प्लेट मोमोज खाए, कल दो प्लेट। उस दिन क्या कह रहा था यहाँ पे? हाँ कह तो रहा था भाई कि हमारे चक्कर में साहू सुनिए, बहुत झूठ बोलता है आजकल तू, बहुत झूठ बोलता है। साहू कहते हैं कि ना हमारे चक्कर में मोमोज शुरू करे, बल्कि मैं बहुत कम मोमोज खाती हूँ और वो बहुत खाता है मोमोज, झूठ बोलता है वो। मैं खाता था पर मैंने कम कर दिया। अच्छी बात है, मोमोज ज्यादा नहीं खाने चाहिए, पता है देखो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, उसे वो रखें ना। और अभी आज हमारा वैसे ना कोई भी प्लान नहीं था बाहर जाने का, कुछ भी आज था कि रेस्ट करेंगे, बट हमें रात में जाना है अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। मना भी नहीं कर सकते कि उसने सामने से इतना बोला, मतलब फोन करके भी बोला है, अलग से भी इनवाइट करा है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके। तो जाना तो पड़ेगा, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, है ना। और आज मैं विशाल को नहीं बताऊंगी कि वो क्या पहन के जाए पार्टी में, कुछ नहीं बताऊंगी, और फिर देखते हैं। अरे लोग, मैंने गेम डाउनलोड करी थी करने, वो वर्ड्स बनाने वाली। अरे लोग जी आर ए डी, ग्रीड। अरे तो एक ही अक्षर, चार अक्षर बनने हैं। एग्री यार, एग्री तो मैंने चार अक्षर बनाने हैं। गेयर हो गया, रेज आर ए जी ई ए आर, गेयर आर ए जे ई, गेयर हो चुका था। अच्छा गेयर हो गया, वेरी गुड। इन लोगों को पूरा कोई काम नहीं, पूरा दिन यही करते रहता है बस बैठ के। और अब मैं सोच रही हूँ कि विशाल के साथ बाहर जा रहा हूँ, एक नाश्ता पानी करके आऊँ। मम्मी देख रही हो? नहीं नहीं चला, अपनी स्कूटी उठा जा। अपनी स्कूटी? मेरी स्कूटी को इतना चलाता है तब मैं मना नहीं करती। चलता अब बोले मेरी गाड़ी में बैठती भी तो है। मम्मी देख लो, खटा रही है तो उसको एक घंटे में खड़खड़ खड़खड़ कर। वो खुद कह रही थी कैसी खटारा सी बना रखी है इसने स्कूटी, क्योंकि मेरे को ना शुरू से ना देखो। और मुझे कह रही बैड मैनर्स।
मेरी बाइक देखो कितनी मस्त चमक रही है और कितनी सही है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आप कोई व्हीकल लेते हो, कोई भी व्हीकल लेते हो, स्कूटी हो चाहे वो आपका फोर व्हीलर हो, मेरा साइकिल हो, वो साइकिल ही क्यों ना, उसको हमेशा साफ सुथरा, वो ठीक है यार, वो स्कूटी हो चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे वो साइकिल हो, अगर तुम उसकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तो टाइम निकालो ना भाई, हम भी तो करवाते हैं। तू तो यहीं से करा लेता है, तुम भी यहीं से करा लो। नहीं, यहाँ से खराब होगी ना, करा के देखा। मतलब जब इसने स्कूटी ली तब साहू से वो स्कूटी फूटी थी और उसके अंदर एक डेंट है, वो आज तक ही डेंट है, बताओ हद हो गई। देख लो, केयरलेस पीपल। पर ये स्कूटी तो अच्छी चलाती है, आपको बिठा के चला लेती है, गिरा दिया ना पता लग जाएगा। मैं वसंत क्यों, कैसी बात है, तो आ चुका है इडली की शक्ल जैसी के लिए वड़ा और ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों। क्यों ऐसे बोला कि मैं वहां जाऊंगी दो सौ खा लूंगी, कब बोला तूने? तो क्या हो गया, रास्ते में फेंक दूंगा क्या? मैं तो मजे लेता रहता हूँ, तेरे पास भी पेट है भैया, तुझे भी खाना पीना है, तो कैसे चलेगी शरीर, कैसे चलेगा? ऐसे ही बात, मेरी वीडियो में मत चलेगा मुझे, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो तो बस ऐसे लोगों के लिए बनाई है मैंने, ऐसा कुछ रियल में थोड़ी है, लोग अपने अपने पार्टनर्स को भेजे इसलिए बनाता हूँ मैं तो ऐसी वीडियोस, और दोनों खुश रहे। ठीक है, नई लड़की ले आऊँगा मैं बहुत जल्दी, जब तक नई लड़की नहीं मिल रही जब तक तू ही बनाएगी। देख लो बता देना, अगर नई लड़की आएगी तो इससे सुंदर आएगी, पहले बता रहा हूँ। वीडियो में तो सुंदरता देखते दिल थोड़ी दिखता है। चलो भाई मेरा आ रहा, मेरा भी, मैं भी खाऊंगा फिर, भूख लग रही है बड़ी गंदी, फिलहाल इसका पढ़ता हूँ। आज सूरज पता नहीं कहाँ से हो गया कि मेरी मम्मी ने ना, सूरज उगता ही है क्या होता, उगता ही है कि मेरी मम्मी ने मेरे बालों में चंपी कर रही है मेरे, एक बार कहने पे, वैसे बहुत ज्यादा वो नखरे करती है, मैं नहीं कर रही, स्कैल्प में कोई टच भी नहीं हो रहा, पता भी नहीं चल रहा, मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में होती है दर्द। मम्मी स्कैल्प पे टच करो ना यार, सूख जाएंगे, स्कैल्प पे लगाओ तेल, बालों में नहीं लगता, इसको भी लगवाने तेल स्कैल्प, अरे वाह भी घर क्या, मेरे को लग रहा है आप वाटर में ना तीन चार बारी में खत्म कर दो। नहीं मैंने एक अभी तक ना, अभी तक ऊपर से प्रेस नहीं करा है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये वो डब्बा दिखाना, ये मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ, मैं आज इसको, इस ऑयल को फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ये, और ये कोई ट्रस्ट में कोई प्रमोशन नहीं है, अगर मेरे को कोई चीज पसंद आती है ना तो मैं बता देती हूँ आप सभी को, ठीक है। ये है ऑयल इंडी वाइल्ड का, ठीक है, चंपी हेयर ऑयल, और ये है लड़की का नाम था दीपिका खोसला शायद, और ये उसकी मम्मा है, और ये आंटी की खुद की बनाई हुई रेसिपी कह रही हूँ, खुद का बनाया हुआ ऑयल है, और आंटी के बाल सच में बहुत लंबे, मैंने ना रील वगैरह में भी देखा आंटी के रील है बहुत अच्छा है यार, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे ही देखा वगैरह, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़े तो काफी अच्छे रिव्यूज थे, लोगों ने काफी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, तो मैंने भी मंगा लिया और आज मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत, देखो ये तो उसका बॉक्स है, और आपको इसी बॉटल दिखाऊं, दिखा ना मम्मी, ये देखो भाई बॉटल बहुत प्यारी है, 50 ml है, और प्राइस वाइज भी थोड़ा सा कॉस्टली है, कितने 1000+ का है शायद ये ऑयल ना, बट 10% ऑफ तो मिल ही जाता है फर्स्ट परचेज, 1000+ का, हाँ तो जरा सा 50 ml नहीं मम्मी, सही है बहुत चलेगा यार, हफ्ते में हम दो बार तो मैं ऑयल यूज करती हूँ, और जो लोग मेरे को पूछते रहते हैं ना मेरे बालों से रिलेटेड, तो हाँ मैं ऑयलिंग बहुत करती हूँ, बहुत भर के हफ्ते में, तो मेरा कंफर्म है लाइक दो या तीन बार तो पक्का ही है, मेरे को ऑयल लगाना बहुत पसंद है, और इस ऑयल का नाम भी है चंपी हेयर ऑयल, तो पहले अभी मैं यूज करूंगी इसको एटलीस्ट 1 month तो मेरा कन्फर्म आराम से यही यूज करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या एक्चुअल रिजल्ट है इसके, बाकी तो अभी मैं रिव्यूज के अकॉर्डिंग इसको यूज करूंगी, काफी अच्छे है, फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है, पैकेजिंग भी 10/10 है, पर मेन तो है ना वर्क कैसा कर रहा है ऑयल, बाकी आप इनके जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे भी जाके चेक कर लेना, क्या हो गया जुए हो रही है क्या, ऐसे देख रही हो, नहीं
वो बना रही हूँ। एक तो यार सर्दियों में ना डैंड्रफ इशू बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हम गर्म पानी से सर धोते हैं और स्प्लिटिंग्स भी हो जाते हैं मेरे को। क्या कर रही हो? डैंड्रफ है इतनी, वो डैंड्रफ क्या करूँ, ठंडे पानी सर धोना ठीक नहीं ना। डैंड्रफ तो मेरे भी भर के है, मेरे भी हर दो दिन में शैम्पू करना पड़ता है मेरे को तो मजबूरी में। पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, इन्होंने कटवा दिए एक बार स्टाइल के चक्कर में, बताओ। और पहले जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मैं वो लगा के जाती थी परांदा गुत में बांध के, ताकि और लंबे हो जाए मेरे बाल। तो ये मेरी करी हुई केयर है, तो अब क्यों नहीं करती, अब क्यों नहीं करती, तेरे भी नहीं लगाती। मैंने कितनी केयर करी है बालों की आपके, हरकत कर रहा मैं नहीं, मतलब एसी ने पागल ने बोला कि ऊपर से ही पर्स फेंक दे, मैंने कहा मैं नीचे आके दे दूं, कहता नहीं ऊपर से ही फेंक फेंक दूं भैया, बस फेंक गिर भी ऐसे तो फेंक ना आंटी, घर में फेंक दूं ऐसे मत फेंकना, थोड़ा ऐसे फेंक। 1 2 3 अरे वाह कैच हो गई। मफी तो बदसूरत है, डॉलर फिर भी ठीक ठाक है थोड़ा सा। बोल बदसूरत हो गए तुम, ठीक है लुक देख, बदसूरती अलग ही झलक रही है, तमीज है अबे उसकी नहीं कह रहा मैं तो तेरी कह रहा हूँ। कुछ भी बोल, मेरे को गंदी मेकअप नहीं कर रखा ना, भी तेरे को कह रहा हूँ कुछ भी बोल, इनको कुछ मत बोल। हाँ मेकअप के बिना भी सही लगती है, क्या समझ रहे हो? बच्चे बीमार ले, छोटा भाई प्रोटेक्ट कर रहा है, कह रहा मेकअप के बिना भी सही लगती है, आप क्या समझ रहे हो? माय गॉड क्या चाहिए, दे दे चॉकलेट दे दे, क्या चाहिए मेरी चॉकलेट और छीलती हूँ मैं, क्या लूंगा। नहारा ही नहीं नहारा, आज हम लोगों को एक बर्थडे पार्टी में जाना है और 10 ही बजा दिए और बैठ के गप्पे मार रहा चाय पी रहा है। नहाने ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ। मतलब नहाना ज्यादा जरूरी है क्या इससे? हाँ जा नहा ले, ये पी के ही नहाऊंगा ना। क्या भाई साहब जी की जैकेट गुम हो गई है, एक बहुत बड़ी सी पफर जैकेट, और भाई पूरे घर में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुशांत मैं कह रही हूँ मैंने देखी नहीं बेटा, मैंने पहले देखी थी तो मैंने खुद संभाल के रख दी थी कि इतनी जैकेट ऐसी है, इसको उठा के रख दो, अब मैंने तो यहाँ देखी ही नहीं वो जैकेट, तू कह रहा मैं लाया हूँ। जिस दिन तू वीडियो बनाने गया था कहीं रस्ते में तो नहीं रह गई, गिर गिर गई हो तुम? चेंज कुछ भी बोल कह रहा मैं पहन के आया ऊपर ना, ऊपर तो नहीं पहन के आया, कुछ ऊपर पहन के आया, साहू से पूछ, साहू गया था उस दिन मेरे साथ, साहू को फोन कर लो। हम उसके बाद कहीं गए थे उस जैकेट को, मैंने तो कहीं नहीं गया, बस वीडियो जैकेट को दी तो नहीं मैं दोस्तों उसको ऐसे पहनने के लिए। अरे उस दिन ये भी तो गया था स्टार वगैरह, पूछ लो इनकी वो क्या करेंगे, स्टार और वो भी तो गए थे, इसने पक्का देख ली ट्रॉली में। अरे यहाँ क्या होगी, वैसे ही कपड़े देख ले कितने, मेरे कपड़ों में कहीं घुसेगी यार तेरी जैकेट, काम करो छोड़ो, एक पफर नहीं आएगी विशाल, उससे पूछो साहू से, विशाल साहू को फोन करके पूछियो, अरे मेरी है यार क्या शक कर रहा है जैकेट में, शक नहीं कर रहा भाई मैं देख रहा हूँ, क्या पता तूने घुसा दी हो इसमें, नहीं भाई इतनी बड़ी जैकेट में कैसे रखूंगी। हमने साहू को फोन, भाई जो हम उस दिन वीडियो बनाने गए थे, जो हमने वीडियो बनाई थी एक रैप वाली जैकेट पहन के गया था मैं शॉप विद लव की, आग वाली, कौन सी वाली, अरे आग आग सी जैकेट नहीं थी वो, ब्लैक कलर की पफर थी, यार तुम्हें कौन जैकेट कह रहा हूँ, जिसमें रैप वाली वीडियो बनाई थी हमने, हरियाणवी रैप वाली, हाँ वो जैकेट मैं ऊपर पहन के आया था ना, मेरे हिसाब से ऊपर पहन के नहीं आया यार, हाँ हाँ तो पहन के आया था भाई, हाँ तो वापस घर पे भी पहन के आया था ना वो जैकेट में, पहन के तो भाई मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन तू वैसे पहन के गया था वहाँ पे, मैं कह रही हूँ देखी नहीं पूरे घर में, अबे थार में क्यों पड़ी होगी, तो क्यों थार में, तो तुम थार में तो ट्रिप होके आ गए, उसमें थोड़ी होगी जैकेट, और वो स्टार से पूछ लो एक बार, उससे भी पूछ ले तो ठीक है। मैं कह रही हूँ बेटा मैंने घर में नहीं देखी जैकेट, देखी होती तो मेरे नॉलेज में पूरी होती, सामान यहाँ पड़ा हुआ। भाई तेरे को याद है जो अभी हम वीडियो बनाने गए थे लास्ट साहू ने शूट करी थी, जब तूने आवारा वाली वीडियो बनाई थी, अरे आवारा रातें अच्छी लगती है वो वाली वीडियो यार, तो उस दिन मैंने एक जैकेट पहन रखी थी ना पफर, वो जैकेट कहाँ पे तेरे को पता है, शायद तेरी गाड़ी में रह गई हो भाई, मेरी गाड़ी में नहीं, तूने उसकी गाड़ी में खोली थी याद कर, किसकी, दुशांत की गाड़ी में, दुशांत की गाड़ी में खोली थी, तूने वीडियो बना ली थी भाई, अरे यार वो जैकेट पता नहीं कहाँ चल, मैं एक बार बोने को भी फोन करता हूँ, तो तूने थार से सामान निकाला था जब एक भी, अरे क्यों अगर निकलेगी तो देगा नहीं क्या, कोई भी ऐसा जैकेट नहीं है पफ वाला, ब्लैक कलर का, चल ठीक है। अब भैया तीसरा दोस्त और बचा है, इसके बाद तो वैसे ही कॉल कर देता मेरे को तेरी जैकेट रह गई, बट हमारे घर में से कांच क्या क्या पता दूसरे पार्टी में हुई जैकेट पहन के आए कैसा रिएक्शन होगा, ओए बोने सुन,
अरे सुन, नहीं सुन रहा। अरे सुन तो सही, जिस दिन हमने ईवाईपी वाली वीडियो बनाई थी वो बंदा वो मर जाऊंगा वाली, उस दिन तेरी गाड़ी में मैंने जैकेट रखी थी अपनी। जैकेट नहीं, जैकेट होती तो वो तो मेरे को पता ही चल जाता। चल ठीक है यार, बस यही। हाँ भाई जैकेट नहीं मिल रही यार मेरी, उस दिन के बाद से ही नहीं मिल रही। नहीं भाई जैकेट तो नहीं यार गाड़ी में। चल ठीक है ओके। अब जैकेट कहाँ गई? गई भैया, खो गई। मिशन जैकेट, मिशन मिल गई। गाड़ी में से ऊपर शर्म आती है, हम लोगों पे इल्जाम लगा रहा था। सारा सामान यहाँ पे इन्होंने तो रखा है भाई। अरे वो चेक करके थोड़ी रखेंगी, तो तेरी गाड़ी से आई थी ना जैकेट। तीन तीन लोगों को कॉल कर दिया तुम्हारी गाड़ी में। कल भी तो मैंने जो सामान छूटे हुई है उधर रख दिया। लीड चुई लीड उधर मिली टॉप पे। देखो क्या कर रहा है। अल्लाह मैं खोल दूं? तोड़ रहा है। कैसे खोलता है? आप बताना, खुद खोलेगा। अभी तेरे से बहुत मेहनत। देखो क्या कर रहा है इसका। वो कहाँ लगाने वाला? क्यों लगा है तेरे को बैट? देना उसको लगाने वाला। डल हो रहा है वो। दे पॉम्प पॉम्प। इसी में है, चल ढूंढ ले। है इसी के अंदर है, शीशा है वो। इसके नीचे देख विशाल। अरे आप क्यों हेल्प करती हो? करूंगी ना, परेशान हो रहा है। अरे ये रहा। अब देखो क्यों लग, पता नहीं क्यों हमारा स्किन टोन भी अलग। मैंने सोचा कि बहुत अलग से देखा तेरा चेहरा, पर नहीं मान रहा। अभी वो ठीक कर। कोई तुक नहीं है पर इस चीज का। लग भी रहा है, पसीने नहीं आते ना उससे। नहीं लग रहा है तो। देख अजीब सा वाइट चेहरा लगेगा। देखो मैं भी सही करेगा भूत। क्या है सही कर लेगा? मेकअप आर्टिस्ट है कि वो सही कर लेगा। हो गया नोज पे लगा थोड़ा सा। क्या कर रहा है यार आपने उसका चेहरा? मम्मी नहीं वो खुद कर। अरे देखो ना थोड़ा नीचे कर दो, लेवल पे हो जाएगा वो। अब देख हो गया ना, सही लग रहा। ये तो ज्यादा सफेद हो गया है। हाँ। अब धो लो। अब धो। मैं सही कैसे कर सकती हूँ भाई? विशाल ऐसे कर रखे इससे। तो लगाया ही क्यों? जो हाथ से हटाना ही था। कम कर लेना हाथों से। क्रीम थोड़ी। अरे वाह। कम कर ले हाथों से। सोना मुंडा। अब तो सही है। चोर मुंडा, चोर मुंडा। सही है मेरे हिसाब से, सही है भाई। वो एक्सेस थोड़ी लगा है। ये तो जान के बोल तो रही है। कुछ लगा दे, लगा दे। चल जूते पहनने दे, तू तो टाइम बर्बादी की वो है। तो जब 12:40 का टाइम वायर का बहुत ज्यादा इशू है, टेक्निकल इशू है जी। टेक्नीशियन लगे हुए हैं आपके एरिया में, ये इशू आ चुका है, बता चुके हैं हम। लेकिन ये एयरटेल का वाईफाई नहीं चल रहा हमारा, इसलिए खूब क्लास लगा दी इन्होंने। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, आप कस्टमर केयर पे बैठे हो बेटा। कस्टमर केयर बैठने वाला कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे, तब तो कस्टमर के पर बैठने का मतलब है। रॉन्ग और फॉल्स कमिटमेंट कोई नहीं करता, पर फायदा क्या आपको बिठाने का? स्त्री से कोई नहीं बैठ सकता, पहले बता रहा हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ बच्चे, अभी मैं सोच के ही बैठी थी कि आपने 2:08 बोलना, और रियलिटी ये है कि जब मैं सुबह फोन करूंगी ना तो आप बोलोगे 11:08 नहीं होगा। जो चल रहा है 2 दिन से हम लोगों के साथ, हमें देखा देखी जो वर्ड कनेक्ट है, स्टार बॉय ने भी डाउनलोड कर ली और लेवल 3 पे ही पहुंच गए इतनी जल्दी। मतलब ये नशा है इस गेम में, बहुत ना दिमाग वाली गेम होते है, वर्ड जैसे बनाने होते हैं। तुम पता नहीं कर पाओगे लेवल क्लियर। आप मेरा कर लो, मैं आपका करता हूं। देखो ये टीम वर्क चलता है यहाँ पर, बिजनेस होता है, ऑडियो का काम है। वो रहा रोज, इस बंदे की आज तुम स्नैप देखोगे। इस बंदे ने अभी डस्टबिन में से वो रोज उठाया, ईशा को रोज के साथ दिखाया स्नैप पे और वापस रख दिया। वाह स्टार, सो तेज यू आर। रोज उठा के वापस स्नैप बना के वापस रख दिया डस्टबिन में। रख रखा है, टाइम हो चुका उसका। बड़े स्टोर पे मिलेगा यार केक, इन पे नहीं है। तो बंद क्यों कर दिया उन्होंने? 24/7 कब से बंद होने लग गया? बंद नहीं हुआ वो, थोड़ा ताकि अच्छा कब, कुछ लोग पागल होते हैं ना, मेंटल किस्म के होते हैं थोड़े बहुत लोग। फिर ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई।